का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ सक्सेस। इसको हम लोग दो तरह से पार सकते हैं, एक है डोमिनेट स्ट्रेटजी, एक है स्क्वेरेंटल गेम। डोमिनेट स्ट्रेटजी में इसे हम नॉर्मल फॉर्म में भी रख सकते हैं और स्क्वेरेंटल गेम में इसे हम लोग एक्सटेंसिव फॉर्म में रखते हैं। तो बैटल ऑफ सक्सेस है क्या? बैटल ऑफ सक्सेस गेम एनालाइज करते हैं कि पिछले किए गए जितने भी एक्शन या स्ट्रेटजी, पे ऑफ या आउटपुट अभी के समय क्या उसी तरह है, लेकिन समय के साथ उसके मूव्स में, उसके काम में क्या चेंजिंग आ गया है। डोमिनेट बैटल ऑफ सक्सेस क्या है? डोमिनेट बैटल ऑफ सक्सेस को हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये क्या है। इस फॉर्मेशन को हम लोग इस तरह देखते हैं जिसमें प्लेयर वन वाइफ और प्लेयर टू हस्बैंड होते हैं, ठीक है। इसमें बेल जो कि बैली डांसिंग को रिप्रेजेंट करता है और बॉक्सिंग मैच से है। पहले कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बैली डांस में जाने का इक्वेशन ऐसा है, 2-1। सेकेंड कंडीशन में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एग्री नहीं है कहीं भी जाने के लिए, ना बैली डांस ना ही बॉक्सिंग। थर्ड कंडीशन जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों नहीं जाना चाहते हैं कहीं भी। फोर्थ कंडीशन जिसमें हस्बैंड और वाइफ 1-2 के कॉम्बिनेशन के थ्रू ये लोग बॉक्सिंग में जाना चाहते हैं। सेकेंड टॉपिक है स्क्वेरेंटल बैटल ऑफ सक्सेस। स्क्वेरेंटल बैटल ऑफ सक्सेस को हम लोग इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वाइफ और हस्बैंड बैली डांसिंग या बॉक्सिंग जाने के का फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन को हम लोग 4 पॉसिबिलिटीज में बदल देते हैं, जिसको हम लोग क्वेरेटल बैटल ऑफ सेंसेक्स में देखते हैं, जो कि इस तरह है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ऑलवेज गो टू बैली डांस, तो इसमें दोनों ही बैली डांस जाने के लिए एग्री हो गए हैं। दूसरा फॉर्मेशन है फॉलो हिज वाइफ, अपने वाइफ के बातों के हिसाब से वो हस्बैंड फॉलो करता है कि कहाँ जाना है, तो यहाँ दोनों ही कन्फ्यूज हैं कहाँ। थर्ड पॉसिबिलिटी भी इसी तरह है, इसमें जो कि इसके उलट है, यहाँ जो है वाइफ हस्बैंड को फॉलो करता है कि कहाँ जाना है, बैली जाना है या बॉक्सिंग जाना है। यहाँ पे भी दोनों कन्फ्यूज हैं कि कहाँ जाना है। और चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि वो लोग बॉक्सिंग जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस 4 फॉर्मेशन को हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से है ये।